नमस्ते बेटिया, माय सर डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हरित की, या जनरल जो टर्म है जो लोग जानते हैं ले में, जिसका हरड़ के नाम से इसको जानते हैं, हरड़े या हरड़, ठीक है, और हम लोग इसको हरित की कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम थ्योरेटिकल पार्ट इसका देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली, ठीक है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। जो बॉटनिकल नेम है इसका वो है टर्मिनेलिया चिबुला, एंड फैमिली इज कॉम्प्रिटेसिव फैमिली, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया चिबुला, फैमिली इज कॉम्प्रिटेसिव, ठीक है, इजी वे में याद हो जाएंगे आपको। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखें, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो चरक है वो इसको प्रजास्थापन महाकषाय के अंतर रखते हैं, ठीक है। प्रजास्थापन महाकषाय में हरित की को चरक रखते हैं, साथ ही ज्वरग्न महाकषाय में, कुष्ठग्न महाकषाय में, काशग्न महाकषाय में एंड अर्शोग्न महाकषाय में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कौन कौन से महाकषाय में रखी हुई है। फर्स्ट इज प्रजास्थापन, सेकंड इज ज्वरग्न, थर्ड इज कुष्ठग्न, फोर्थ इज काशग्न एंड अर्शोग्न, ठीक है। इन सभी महाकषायों में हरित की को महर्षि चरक ने स्थान दिया। उसके बाद सुश्रुत का देखें, तो सुश्रुत ने जो गण बताए 37, उसमें त्रिफला के अंदर, ठीक है, त्रिफला तो एक नॉर्मल टर्म है, इसके अंदर हरड़ वेड़ा औला होता है, तो जो हरड़ है वो हरित की को ही बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिफला हो गया, एंड आमल के आदि जो गण है सुश्रुत का, वहाँ पे भी हरित की को सुश्रुत ने स्थान दिया। साथ ही परुषक आदि जो गण बताया, परुषक फालसा को बोलता है, इसके साथ जो ड्रग्स रखी गई है उसमें हरित की भी आती है, ठीक है। तो सुश्रुत ने हरित की को इन तीन गणों में स्थान दिया, त्रिफला में, आमल के आदि में एंड परुष के आदि के अंदर। और चरक है वो जो 50 महाकषाय बताए उसमें प्रजास्थापन महाकषाय, ज्वरग्न महाकषाय, पुष्टग्न महाकषाय, काशग्न महाकषाय एंड अर्शोग्न महाकषाय, ठीक है, इन महाकषायों में चरक में स्थान हरित की को दिया। सिनोनिम्स देखें तो इसका अभय, पथ्य, हरड़, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चैबुलिक मायरोबैलम, ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, ठीक है। हरित की, हरड़, अभ्या, पथ्या, इन नामों से इनको बुलाया जाता है। अब इसके रसगुणवीर विपाक की चर्चा करें अपन, ठीक है। तो ये पंचरस होती है, पंचरस के हिसाब से इसमें लवण रस नहीं होता है, बाकी पांचों रस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मधुर, अम्ल एंड कटुतिक्त क्षार, ये पांच रस हैं, लवण रस नहीं है। और प्रधानता की बात करें कि इन सभी पांचों रस में प्रधानता क्षार रस की होती है, ठीक है। तो प्रधान का मतलब होता है कि जो आपको सबसे पहले टेस्ट आए उसका बना रहेगा, और काफी लंबे समय तक उसका मुंह में स्वाद बना रहेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर कषाय रस की प्रधानता है, बाकी चार रस और दूसरे भी हैं, मधुर है, अम्ल है, कटुतिक्त भी है, ठीक है, लवण रस इसके अंदर नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि इसके अंदर रस कौन सा पाया जाता है। तो ये पंचरस वाली होती है और कषाय रस प्रधान होता है, लवण रस इसमें नहीं होता है। इसके बाद गुण देखें हमें, तो लघु और रुक्ष गुण इसके अंदर पाया जाता है, लघु एंड रुक्ष गुण। वीर्य इसका उष्ण रहेगा, विपाक इसका मधुर रहेगा, ठीक है, वीर्य इसका उष्ण है एंड विपाक इसका मधुर है, ठीक है। आपको वीर्य भी इसका ध्यान में रखना है, उष्ण है, ठीक है, और विपाक इसका मधुर है। फिर इसके अक्षर देखें हम, तो ये त्रिदोषर है, ठीक है, शोथर है, त्रिदोषर तीनों दोषों की शामक है, ठीक है। इसके साथ ही कहीं स्वेलिंग हो बॉडी पे तो वहां पे भी है, स्वेलिंग को हटाने का काम करती है, शोथर है। वर्ण शोधन है, जो दुष्ट वर्ण है, ठीक है, या जो बहुत लंबे टाइम से हील नहीं हो पा रहे, ठीक है, तो ऐसे व्रणों के अंदर भी ये व्रण शोधन के लिए दी जाती है और व्रण रोपण के लिए भी दी जाती है, ठीक है। तो शोधन और रोपण, ठीक है, दोनों प्रोसेस ये इंक्रीज कर देती है व्रण के अंदर, इसलिए व्रण के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। एंड रसायन, ठीक है, रसायन हरित की एक रसायन है, इसे अकॉर्डिंग टू ऋतु, ठीक है, अलग अलग अनुपान के साथ भी भाव प्रकाश ने मेंशन किया है, ठीक है। और जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, इसमें भी अलग अलग अनुपान के साथ भाव प्रकाश ने मेंशन किया है, ठीक है, वो हम दूसरे टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे सिंपल रसायन है, ठीक है। और मेडिसिनल यूजेस देखें इसका, तो पेन के अंदर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, हिकफ के अंदर, नाड़ी दौर्बल्य एंड विषम ज्वर, ठीक है, जैसे कि वेदना स्थापन देखा हमने, ठीक है, तो ये यूज किया जा सकता है।
तो पेन के अंदर आप इसे दे सकते हो, स्पेशली जो उदर विकार होते हैं, ठीक है, क्योंकि हरित की क्या है, अनुलोमन अनुलोमन करती है जो वात वात दोष है उसे अपने मार्ग से प्रबल करा देती है। और पेन के अंदर या जनरल पेन के अंदर या फिर जो स्पेशली उदर शूल के अंदर वात दोष कारण होता है, तो इस वजह से इसको अनुलोमन करवाने से पेन भी सबसाइड हो जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, ठीक है, उधर से रिलेटेड जो भी विकार है, डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, उनके अंदर आप हरीतकी का प्रयोग करवा सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा है, उसके अंदर आप ये उसका कर सकते हैं, बार बार उत्पन्न हो जाती है इक्का, ठीक है, हमने जो इक्का के अलग अलग प्रकार देखे हैं या आगे के आने वाली क्लासों में देखे हैं, तो उन सभी में इसका प्रयोग भी आप करवा सकते हैं। नाड़ी दौर्बल्य के अंदर, ठीक है, वीकनेस है, जनरल वीकनेस है, उसके अंदर भी आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। और विषम ज्वर जितने भी हैं, ठीक है, जो एक समय पश्चात बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनके अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अंदर कौन सा पार्ट आप यूज करेंगे, इसके अंदर फ्रूट यूज करते हैं, जो हरड़ है, ठीक है, उसका फ्रूट पार्ट आप यूज करते हैं। अब हरड़ के अंदर जनरली छोटी हरड़, बड़ी हरड़, ये दो मार्केट में मिल जाती है। एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग प्रजातियां न होके फ्रूट का अलग अलग समय पे टाइप होता है। जैसे कच्ची हरड़ है, ठीक है, वो टूट गई है, ठीक है, तो उसे हम छोटी हरड़ के रूप में जो श्रिंक होती है बिल्कुल उसका यूज कर लेते हैं, और यदि पक्व होके उसको आपने ग्रहण किया है तो बड़ी हरड़ के रूप में मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। तो वास्तविकता में दोनों हरड़, छोटी हरड़ बड़ी हरड़, एक ही फ्रूट के अलग अलग समय पे लिए हुए टाइप्स हैं, बाकी उनका अलग अलग वैसे कोई वैरायटी नहीं है वो, ठीक है। तो इसका जो पार्ट यूज होता है वो फ्रूटी ही होता है। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें हम, तो इसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लूकोसाइड है, चैबुलिनिक एसिड है, ठीक है, चैबुलेसिक है एसिड है, टैनिक एसिड है, एंड टेराचैबिन टैनिक एसिड है, टेट्राचैबुलिन है, विटामिन सी है, आर्कियोडिक एसिड है, एंड बहनिक लिनोनिक ओलिक पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड्स हैं, चैबुलिन है, मास्लिनिक एसिड है, ये दीज आर ऑल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन हरड़ या हरित की टीनोस्फोरा कॉर्डिफोलियम, ठीक है। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें से कुछ आप जरूर याद रखें, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लूकोसाइड, चैबुलिनिक एसिड, चैबुलिक एसिड, ये इसके नाम से जैसे इसका टर्मिनेलियम चैबुला नाम है, तो चैबुलिनिक एसिड याद रह जाएगा आपको, ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लूकोसाइड याद रख सके तो रखें, ठीक है, बाकी चैबुलिनिक एसिड तो रख लें कि कम से कम ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके साथ इसके फार्माकोलॉजी देखे हैं, तो फार्माकोलॉजी में एंटी म्यूटाजेनिक, ठीक है, जो म्यूटेशंस है, अगर जैसे इसको रसायन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो जो कैंसर का या यूं कहें कि नियोप्लास्टिक सेल्स के अंदर कारण क्या बनता है कि ये म्यूटाजेंस बनते हैं, तो अगर हम रसायन के रूप में इसका वैसे ही सेवन करते हैं तो उसके अंदर एंटी म्यूटाजेनिक इफेक्ट मिलता है, तो ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करती है। ऐसे ही एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है इसके अंदर, एंटी फंगल इफेक्ट है, एंटी स्ट्रेस भी है ये, एंड इंड्यूरेंस प्रमोटिंग एक्टिविटी है, एंटी हेपेटाइटिस है, एंड बी वायरस एक्टिविटी, हाइपोलिपिडेमिक एंड इनहिबिटरी एक्टिविटी अगेंस्ट HIV एंड प्रोटीज, एंड एंटी हेलमिंथेटिस एंड परगेटिव। परगेटिव तो इसका अनुलोमन के लिए आया पथ्य, अनुलोमन यह हरण है, अनुलोमन के अंदर अच्छी मानी गई है, श्रेष्ठ मानी गई है, महर्षि चरक इसको अग्रे में भी वर्णित करते हैं, ठीक है, तो परगेशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। एंड और बाकी जो वर्म्स हैं, एंटी हेलमिंथेटिस, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, ये सारे वर्म्स या जंतुघ्न प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है, ठीक, तो एंटी स्ट्रेस भी है ये, और इसके अलावा एंटी हेपेटाइटिस भी वायरस की एक्टिविटी है उसको भी कम करती है, हाइपोलिपिडेमिक भी है ये, ठीक है, एंड इनहिबिटरी एक्टिविटी अगेंस्ट HIV-1 प्रोटीज, ठीक है। जैसे कि रसायन के रूप में बात किया तो ये कैंसर और एड्स दोनों के अंदर ये प्रिवेंटिव मेजर का भी काम करती है, अगर इस रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। फिर इसकी ये रिलेटेड रिसर्च है कुछ जो इसकी एक्टिविटी को शो करती है, कि ये एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए कुछ रिसर्चेस हुई हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ USA, एक्टिविटी ऑफ क्रूड एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग टर्मिनिलिया चेबुला टेनोस्फोरा कॉर्डिफोलिया इन इम्यूनो मॉड्यूलेटर स्टडीज, ठीक है, जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर स्टडीज है उनके ऊपर यह स्टडी हुई है, जिसमें दोनों ड्रग टर्मिनिलिया चेबुला और टेनोस्फोरा कॉर्डोलिया, ठीक है, इन दोनों ही इफेक्टिव पाई गई है। साथ ही दूसरी जो है ये है धानोकर एसे डाटा SG, और ये रिसर्च 1983 में हुई है, ये
साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला ऑन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, साइटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी पाई गई है इसके अंदर, ठीक है, जो चिबुला गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर ये एक प्रिवेंटिव एक्टिविटी है, ठीक है। साथ ही फिर एक नई रिसर्च थी 1997 के अंदर, ये इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट ऑफ गैलिक एसिड एंड चैबुलिनिक एसिड ऑन सीटीएल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, ये भी एक रिसर्च है। इसके अंदर गैलिक एसिड और चैबुलिक एसिड है, इनके अंदर इम्यूनो सप्रेसिव सीटीएल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, उसके अंदर इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट इन्होंने बताया है। साथ ही एक रिसर्च में और मेंशन है 1992 के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट एक्शन ऑफ टर्मिनेलिया चिबुला एंड इट्स प्रिवेंटिव इफेक्ट ऑन डीएनए ब्रेक इन ह्यूमन वाइट सेल इंड्यूस्ड बाय टीपीए चाइनीज ट्रेडिशनल एंड हर्बल ड्रग, ठीक है, ये चाइना के अंदर हुई रिसर्च है, ठीक है। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को इसके प्रूव करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये सारी स्टडीज है हरित की, ठीक है, तो इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि, और इसके साथ ही इसके जो शास्त्रोक्त प्रकार बताए हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने अलग से क्लासेस क्लास में पढ़े हैं, विजया, रोहिणी, अमृता, अभया, ठीक है, और चेत की, हरित की, ये सब टाइप्स हैं इसके, ये आपको याद होने चाहिए। ऋतु हरित की आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी ऋतु में किसके साथ इसको सेवन करना है, कि शिशिर में पिपली के साथ है या ग्रीष्म में गुड़ के साथ है, ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखने हैं। हेमंत ऋतु में किसके साथ है, ग्रीष्म में किसके साथ आएगा, ठीक है, शरद में किसके साथ लेना है, या फिर दोषों के अनुसार देखें वात पे पित्त कफ, ठीक है, कौन से दोष के अनुसार क्या अनुपान आपको लेना है, ये भी शास्त्रोक्त है जो अपने क्लास में पढ़े वो भी आपको याद में रखना है। ये कुछ इसका मॉडर्न पार्ट है जो आज अपन ने यहाँ देखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ऋत की, तो एक क्विक रिवाइज इसको देख लेते हैं। इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली वो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्मिनेलिया चेबुला कॉम्बिटेसी फैमिली है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन है इसका, क्लासिकल कैटेगराइजेशन है, तो चरक है, कौन कौन से महाकषाय बनते हैं, तो सबसे पहले प्रजास्थापन महाकषाय, ज्वरग्न महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय, कासग्न महाकषाय एंड अर्शोग्न महाकषाय, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। और सुश्रुत ने त्रिफला, ये तो आपको इजीली याद रह जाएगा, इसके साथ आमल के आदि और परुष के आदि, ये दो आमल के आदि एंड परुष के आदि, इसके अंदर भी सुश्रुत ने अरित की को मेंशन किया है। सिनोनिम्स है अभया, पथ्या, हरड, ये आपको याद आ जाते हैं। इंग्लिश नेम है इसका चैबुलिक माइरोवेलन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही प्रॉपर्टीज है इसके, रसगुण ये विपाक है, तो रस में रस काफी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, कि इसको लवण वर्जित होती है, बाकी पांचों रस है इसके अंदर, यानी कि मधुर है, अम्ल है, कटु तिक्त कषाय है, ठीक है। जब लेकिन प्रधान रस की बात करेंगे तो इसके अंदर कषाय रस प्रधान होता है, ठीक है। ऐसे ही जो आमल की है अपना आंवला है, उसके अंदर भी पंचरस होता है, लवण वर्जित होता है, पर वो अम्ल रस प्रधान होता है। हरित की कषाय रस प्रधान है, वो आम्ल रस प्रधान है, ठीक है, और वीर्य आंवले का शीत होता है, हरित की का उष्ण होता है, ठीक है। ऐसे ही गुण देखें तो लघु और रुक्ष है, विपाक इसका मधुर है। अक्षंश वापस रिपीट करें अपन तो दोष हर, शोथ हर, वर्ण शोधन और रोपण दोनों प्रॉपर्टी हैं, और रसायन प्रॉपर्टीज के अंदर है, ठीक है। तो अभया के अंदर रसायन के रूप में अभया को आप यूज कर सकते हैं। मेडिसिनल यूजेस देखें इसके, तो पेन के अंदर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है उनके अंदर, ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, हिकअप्स के अंदर, नाड़ी दौर्बल्य के अंदर एंड विषम ज्वर, इन सब के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका पार्ट आप फ्रूट यूज करेंगे, इसका फ्रूट ही यूज होता है इसका। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर वो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं ये हम देखें, तो एंथ्राक्विनोन है, एंथ्राक्विनोन ग्लूकोसाइड है, चैबुलिनिक एसिड है, चैबुलेजिक एसिड है, टैनिक एसिड है, टैनिक एसिड, टेट्राचैबुलिन, विटामिन सी है, आर्किडिक एसिड है, वैनिक, लिनोनिक, ओलेइक, पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड्स है, चैबुलिन है, मास्लेनिक एसिड है, ठीक है, ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर मिलते हैं। फार्माकोलॉजी देखें तो एंटा म्यूटाजेनिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी स्ट्रेस, इंड्योरेंस प्रमोटिंग एक्टिविटी, एंटी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस एक्टिविटी, हाइपोलिपिडेमिक इनहिबिटरी एक्टिविटी अगेंस्ट HIV प्रोटीज, साथ ही एंटी हेलमेंथेटिस एंड पर्गेटिव एक्टिविटी भी इसके अंदर पाई जाती है। साथ ही रिलेटेड रिसर्च हमने देखी कि ये रिसर्च भी इसके अंदर हुई है हरित की के अंदर, कि इसकी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिनके ऊपर अभी तक रिसर्चेस हो सकी हैं, जैसे कि क्रूड एक्सट्रैक्टिंग टर्मिनल चूल्हा टीनोसमा पड़े, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर स्टडीज है इसकी, ठीक है, केराटिनोस पोरा पॉडिफोलिया और
टेनस मोरा चेगुला, इन दोनों के ऊपर भी है। साथ ही गैस्ट्रिक म्यूकोसा का जो साइटोप्रोटिक इफेक्ट है टर्मिनल चेगुलों का, किस पे? गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है। साथ ही गैलिक एसिड एंड चेवलोनिक एसिड का सीटीएल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। और जो इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी स्टडीज अभी तक इसके ऊपर हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर फॉर्मुलेशन में तो इसका भी अवेयरिस्ट और हरड़ का पाउडर और बहुत सारे फॉर्मुलेशन है मार्केट के अंदर, इजिली अवेलेबल होते हैं। अव्याधि मोदक है या हरड़ का पाउडर है, अरंड ब्रश हरित की है, ठीक है, तो ये इजिली अवेलेबल होते हैं। आप अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद करें अपने एग्जाम के लिए भी, और इसे अपने प्रेस्क्रिप्शन या अपनी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और फिर भी अभी आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।